हेलो दोस्तों, मैं हूँ रिंकू झा। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डिलीशियस ज्ञान में। तो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं सावन स्पेशल, व्रत में खाए जाने वाला, उपवास में खाए जाने वाला फ्रूट प्लस वेजिटेबल स्मूदी फ्रूजी। तो फ्रेंड्स, ये मेरा फ्यूजन है। मैं अपने तरीके से इसको फ्रूट और वेजिटेबल मिक्स करके, जो ऐसा वेजिटेबल जो कि हम व्रत में भी खा सकते हैं, दोनों मिक्स करके हम स्मूदी बना रहे हैं। ऐसा स्मूदी आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। तो देखने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक मेरे साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले ये बीट रूट को काटेंगे, इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में इसको काटेंगे। फ्रेंड्स, ये मीडियम साइज का बीट रूट था, इसको धो के छील लिए थे। इसको छील के छोटे छोटे टुकड़ों में काटे हैं। इसी तरह से गाजर को भी छील के धो के रखे हुए हैं, इसको भी काटेंगे। दोस्तों, गाजर को भी हमने इस तरह से काट लिया है। ये केला है फ्रेंड्स, इसका भी छिलका हटा के इसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे। केले को भी इस तरह से काट लेंगे। तो ये लीजिए स्मूदी बनाने के लिए गाजर, केला और चुकंदर, ये कट के तैयार है। अब क्या करेंगे, मिक्सी का जार लेंगे, इसमें इन सभी चीज़ों को डाल देंगे। इसी के साथ इसमें डालेंगे एक छोटे कटोरी दही। इसी के साथ इसमें डाल देंगे 2 चम्मच शहद, हनी। दोस्तों, आप चाहे तो इसमें 2 खजूर भी डाल सकते हो। मैं खजूर नहीं डाल रही हूँ, खजूर ऑप्शनल है। और जार का ढक्कन बंद करके इसका फ्रूजी तैयार करेंगे। तो लीजिए, तैयार है हमारा स्मूदी। ये जार का ढक्कन खोल के दिखाते हैं। ये देखिए कितना सुंदर स्मूदी तैयार हुआ है। कितना लाजवाब बन के तैयार हुआ है। अब इसको ग्लास में डाल के सर्व करेंगे। कटे हुए काजू से इसको गार्निश करेंगे। ये लाजवाब स्मूदी बनके तैयार हुआ है। अब इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा शहद। तैयार है हमारा फ्रूट प्लस वेजिटेबल स्मूदी फ्रूजी। आप लोग भी बनाइए जिस तरीके से मैं बनाई हूँ, काफ़ी अच्छा बन के तैयार होगा। इसमें बीट रूट है, बनाना है, कैरेट है, तो कितना हेल्दी ये हुआ स्मूदी वो तो पता ही होगा, आप लोगों को बताने का ज़रूरत नहीं है। और इसमें मैं शुगर भी ऐड नहीं की हूँ। शहद तो सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद है पता ही होगा, आप लोगों को बताने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो जिस तरीके से मैं बनाई हूँ दोस्तों, आप लोग भी बनाइए। और ये थोड़ा गाढ़ा स्मूदी तो थोड़ा गाढ़ा होता है ना, तो स्पून से उठा उठा के इसको खाइए, आनंद लीजिए इसका। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा कैसा लगा हमारा ये फ्रूजी का रेसिपी। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही आसान तरीके से बनाने वाले रेसिपी के साथ।